आज सैटरडे है और हर सैटरडे को मैंने ये कमिटमेंट किया कि मैं गढ़वा और पलामू दोनों जगह की क्लास लूंगा। तो आज सुबह 5 बजे मैं उठ गया हूँ और 6 बजे से मेरी लगातार आज 3 बजे तक क्लासेस हैं। तो पहला क्लास जो मेरा डाल्टनगंज के सेंटर में जेई बैच में है और दूसरा क्लास मेरा नीट बैच में है। तो आज मैं किस किस क्लास में पढ़ाता हूँ, कितने घंटे पढ़ाता हूँ, पूरा दिनचर्या और दोनों ही सेंटर गढ़वा और आपको पलामू का दोनों सेंटर देखने को मिलेगा। बड़ा ही मजेदार ये ब्लॉग है। मैं कोशिश करूँ, मैं ब्लॉगर हूँ नहीं यार, मैं टीचर हूँ, मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ लेकिन ब्लॉग का मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि सारा कुछ कवर करें। तो आइए चलते हैं क्लासेस में और देखते हैं कि क्या कैसा दिन रहता है, कैसा ब्लॉग रहता है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक ब्लॉग वाला सीरीज कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं, चलते हैं क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने सारे क्लासेस को दिखाने वाला हूँ कि मैं किस किस क्लास में क्लास लेता हूँ और मैं कौन कौन से बैचेस में पढ़ाता हूँ। आज मेरा क्लास जो है वो डाल्टनगंज जो कि पलामू में है और गढ़वा दोनों ही सेंटर में है, तो आपको दोनों ही सेंटर देखने को मिलेगा। मेरी सुबह 6 बजे से 12th JEE में क्लास है, तो चलिए 12th JEE की क्लास को दिखाता हूँ आपको और उसके बाद फिर 12th NEET में है। फिर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा आपको मेरे पूरे शेड्यूल के बारे में पता चलेगा और आपको धीरे धीरे ये पता लगेगा कि आखिर सेकेंड स्कूल को बच्चे इतना प्यार क्यों करते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको पूरी दिनचर्या दिखाने वाला हूँ अपनी। थैंक यू। तो अभी मैं था 12th के JEE बैच में और ये है हमारा 12th का JEE बैच। हल्ला करने बोले नहीं। ये 12th का JEE बैच है, बड़े प्यारे बच्चे हैं ऐसा हम लोग को लगता है। अब 12th नीट में मेरा क्लास है तो अब चलते हैं 12th नीट में। अभी 12th नीट का क्लास लेने के बाद, एक्चुअली मेरा सुबह 6 से 7 JEE में क्लास था, फिर अभी 7 से 8 नीट में क्लास था 12th नीट में। सो अब लेने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ गढ़वा। सो मैं आपको 12th नीट के बच्चों से मिलाता हूँ। ये हमारे 12th नीट के बच्चे हैं, बहुत शांत हैं, सब डॉक्टर बनेंगे। खैर, तो अब चलते हैं गढ़वा के लिए। गढ़वा में मेरा 9 बजे से लेकर लगातार 3 बजे तक क्लास लगा हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा हर सैटरडे का कमिटमेंट है कि मैं गढ़वा में रहूँगा। चलते हैं गढ़वा, फिर आपको गढ़वा के बच्चों से मिलाते हैं। थैंक यू। अभी मैं हूँ गढ़वा में और गढ़वा के जो 12th क्लास का के जो स्टूडेंट हैं उनका मैंने क्लास लिया है। अभी मैं गढ़वा के स्टूडेंट से मिलाता हूँ आपको। ये बड़े प्यारे बच्चे हैं यार। और इसके बाद अभी मेरा क्लास 11th में क्लास है 2 घंटे का। अभी हम लोग 2 घंटे का क्लास किया ना, 2 घंटे क्लास किए, लगातार 3 बजे तक क्लास है। जैसे जैसे क्लास में जाते रहूँगा आपको सारा क्लास दिखाते रहूँगा। मिलते हैं क्लास में। Gracias.
भी हाय बोल के और हाय का इंतजार किसी और का हाय लेने के लिए रात भर जगेगा। एक शादी सुनाई दिलकसी कभी दफन नहीं होती, दिलकसी कभी दफन नहीं होती और ऋषिकेश सर की क्लास और बातें कभी खत्म नहीं होती। क्लास में गढ़वा में और 11 से एक ऑलमोस्ट क्लास खत्म हो गया, 12:58 हो रहा है। मैं आपको 11th क्लास के बच्चों से मिलाता हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने अपने लाइफ में इतने प्यारे बच्चे क्लास में बैठ के कहीं नहीं देखे। हाँ, पलामू वाले बच्चे नाराज हुआ तो जाना यार, आप भी बहुत बेस्ट है, लेकिन ये बच्चे सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और मैं आपको बच्चों से मिला रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले सैटरडे। इनका कितना डिग्री हो गया? क्योंकि इनका इमीडिएट पड़ोसी कितना है? है कि नहीं भैया? अच्छी बात है। ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है। अभी बज रहा है 2:40 और ऑलमोस्ट मेरा क्लास खत्म हो गया है। ये लास्ट क्लास था मेरा नीट ड्रॉपर बैच में। सो मैं आपको नीट ड्रॉपर के बच्चों से मिलाता हूँ। ये हमारे नीट ड्रॉपर के बच्चे हैं गढ़वा के। अगले सैटरडे फिर से आते हैं। आज मेरा इतना ही था, फिर हर सैटरडे का मेरा कमिटमेंट गढ़वा में है। हर सैटरडे बच्चों से मिलेंगे, बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। 350 बच्चों का इंडिया में सिलेक्शन हो रहा है, मान लो 300 में नहीं मिले तो फिर क्या होगा? एक लाख रैंक के लिए क्या चाहिए? 300 में 120 नंबर, 120 नंबर ला के आप NIT में जा सकते हो। हम है रांची में, अगर पक्का रखो। अच्छा, अगले बार कोशिश करेंगे कि संडे में क्लास करेंगे। कुछ 12th के बच्चे बैठे बैठे अंत तक, भाई कौन कौन थे वो लोग? भाई चार घंटे तो बैठ पाएगा। एक बार बहुत बहुत मेहनती है। पिछले बार एजो ट्रॉप पूछे थे, मिल गया सोल्यूशन? और भी थे क्या कुछ जरूरत? हाँ, लगातार 3 बजे तक क्लास लेने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मेरे अभी तक का सबसे बेस्ट दिन में से एक था। लगातार सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक मैंने क्लास लिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा थकान महसूस नहीं हुआ। बच्चों का एक्साइटमेंट इतना था, सच में मैं जब भी बच्चों का इतना प्यार देखता हूँ, सपोर्ट देखता हूँ, इतना एक्साइटमेंट देता हूँ पढ़ने का, तो मेरे अंदर एक अलग सा जोश आता है, जुनून आता है। और गढ़वा के बच्चों की तो बात ही अलग है। मैं बच्चों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा गढ़वा, पलामू, लातेहार या फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन गढ़वा में ना एक भूख होने का कारण भी है।
क्योंकि गढ़वा में अभी से पहले सब कुछ था, लाइक मॉल है, सब कुछ है, लेकिन पढ़ाई का साधन नहीं था, सुविधा नहीं था, एक ढंग का इंस्टीट्यूट नहीं था। बच्चों को ना अच्छे पढ़ाई के लिए बाहर में माइग्रेट करना पड़ता था, रांची, दिल्ली, पटना, इधर उधर जाना पड़ता था। तो पहली बार सेकेंड स्कूल के रूप में उनको एक उम्मीद दिखा और उस उम्मीद को क्या खूब बच्चे जो है भुना रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं सल्यूट करता हूँ वहाँ के बच्चों को, वहाँ के पेरेंट्स को। हर सैटरडे का मेरा कमिटमेंट है और मैं पक्का बताता हूँ कि मैं तब तक आऊँगा मुझे जब तक, मतलब मुझे ऐसा ना लगे कि अब बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बच्चों का सिलेबस ख़त्म हो चुका है। तो हर सैटरडे का कमिटमेंट है, हर सैटरडे आएंगे। गढ़वा ने जिस तरीके से सेकेंड स्कूल को प्यार दिया है, सेकेंड स्कूल को सहयोग दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी दिन मिलेंगे किसी और व्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।